अपने दुख का गम और अपने दर्द को अपने दिल में छुपाए रखो। अगर जबान पे लाओगे तो लोग तुम पर हंसेंगे और कोई भी तुम्हारे गम का मदावा ना करेगा। अकल और अकलमंद सिर्फ वही बंदा है जो अपने बदन और दिमाग को ऐसे कामों में सर्व करे जो आखिरत के लिए फायदेमंद साबित हों। बुरी किताबें एक ऐसा मोहलिक जहर हैं जो जिस्म को नहीं रूह को कुचल डालती हैं। अकलमंद अगर बदी देखेगा तो एहसान ख्याल करेगा और अगर देगा तो एहसान ना रखेगा तो नगरी में मैनर अवि रहेगी। जिस बंदे ने आपको बाज़त किया है तो अपने पेशे को जलील करके किया है, यानी इज्जत सखावत से हासिल हुआ करती है। जो शख्स अपनी बेदारी से मदद नहीं लेता वो महाफ़िज़ों की निगहबानी से फायदा नहीं उठाता। बेशक अकल सबसे बेहतर चीज है और तमाम उमूर के इन्हिसार इसी पर है। दीगर बास अशिया ऐसी हैं जिन्हें हम जमरा देखने के बावजूद भी उनके वजीद की गरज़ो गायत से नहीं समझते। जो बंदा दूसरों के अल्फाज, फैसलों, तरीकों और हरकात की नकल करता है उसे अकलमंद नहीं कहा जा सकता। फूस के फूलों का अंबार ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों न हो कभी कला नहीं बन सकता।